टीम ने ब्लाइंडर मर्डर केस का कम समय में खुलासा कर अच्छा काम किया है। एसएसपी कोतवाली लक्सर पर 112 के माध्यम से जगदामनी डिग्री कॉलेज लक्सर के पास संदिग्ध अवस्था में एक पुरुष का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर एसपी देहात सीओ लक्सर प्रभारी निरीक्षक लक्सर समेत पुलिस फोर्स ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए उच्च अधिकारियों को जानकारी दी व नियम अनुसार आवश्यक कार्यवाही की। प्रकरण संज्ञान में आते ही एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समय समय पर स्वयं पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आए। स्पष्ट दिशा निर्देशों पर काम कर रही पुलिस टीम द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के पश्चात अज्ञात शव की पहचान अपने पिता के तौर पर करते हुए संजय लक्सर ने 25 जनवरी को किसी अज्ञात द्वारा उसके पिता की हत्या करने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोतवाली लक्सर ने हत्या की धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत किया। गठित टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन करते हुए आसपास आने वाले रास्तों से डिजिटल सुराग जुटाकर मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया, तो दिन रात की मेहनत से एक संदिग्ध व्यक्ति प्रकाश में आए। संदिग्ध की तलाश के लिए लगातार किए गए प्रयासों के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त व्यक्ति अपना फोन स्विच ऑफ कर घर से फरार हो गया है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। टीम ने पुनः संभावित स्थानों में दबिश देना शुरू किया तो 26 जनवरी को उक्त संदिग्ध ग्राम नगला खिताब से रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए मिला, जिसे मौके पर ही दबोच लिया गया। पुलिस टीम के पहुंचने में थोड़ी देर और होती तो अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए बिहार भागने में कामयाब हो जाता। टीम ने संदिग्ध की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, अभियुक्त के खून से सने कपड़े, मृतक के जूते, साइकिल व कपड़े की पोटली भी बरामद की। पूछताछ में पता चला कि चोरी और लूट के मामलों में पहले भी जेल जा चुका है अभियुक्त, नशे का आदी भी है। इन नशा सामग्री की आपूर्ति के लिए अभियुक्त ने अपने परिचित राजेंद्र को एक माह पूर्व 3,000 रुपए दिए, लेकिन राजेंद्र ने न चरस दिलाई और न रुपए लौटाए। इनसे लगातार इन लोगों के द्वारा जो इस पर मेहनत की गई, इसमें 5,000 रुपए मेरे द्वारा इनाम की घोषणा की गई है और इनकी जो इनाम की संस्तुति है वो IG रेंज ऑफिस में भी भेजी जा रही है। इस पे और अभियुक्त पंजीकृत हैं या अन्य थानों में है, इसका हम लोग और पूछताछ पे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।